106 मल्टीप्लाई बाय 106 करेंगे तो वी विल गेट आंसर 11236। इंट्रो देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। क्या आप भी मैथ्स के बोझ तले क्यों दबा हुआ पाते हैं, एग्जाम्स में बड़े बड़े कैलकुलेशन में अपना टाइम गवा देते हैं, गवर्नमेंट जॉब की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, अगर आपकी मैथ्स की गणित स्लो है तो आपका टाइम चला ही जाएगा। पर डोंट वरी, आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते और समझते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपका टाइम बच सके और आपका माइंड कैलकुलेटर की तरह चलने लगे। लेकिन नहीं होता ना दोस्तों, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें काफी शॉर्ट टेक्निक्स बताई गई है ताकि आपका टाइम बच सके और आप ट्रेन हो जाए। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, आप अपने आप ट्रेन हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे वीडियोस को व्यूज तो बहुत मिलते हैं लेकिन लाइक काफी कम लोग करते हैं। आप सभी के लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट्स के लिए ऐसे वीडियोस, ऐसे कंटेंट्स बनाने के लिए। तो प्लीज आप हमारे सभी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। जैसे 32 मल्टीप्लाई बाय 11 आंसर इज 352। ये कैसे पता करना? देखिए कोई भी डिजिट है, सपोज 35 मल्टीप्लाई 11, 3 और 5 को यहाँ पे ले लीजिए और सेकंड स्टेप इज 3 प्लस 5, जो भी दो डिजिट्स हैं आप उन्हें प्लस कर लीजिए। द आंसर इज 8, सो योर आंसर विल बी 385। इसी तरह से आप 45 मल्टीप्लाई बाय 11 करिए, 4 प्लस 5 9 होता है, 495 इज योर आंसर। लाइक दैट 75 मल्टीप्लाई बाय 11, 7 और 5 को आपको ले लेना है साइड में और 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 होता है, 12 का कैरी जो 1 है वो आ जाएगा 7 के साथ, सो योर आंसर विल बी 825। और इस तरह के कैलकुलेशन के पीछे ये प्रिंसिपल है दोस्तों, यहाँ पे ए जो है वो कोएफिशिएंट है। इसी तरह 100 के आसपास का एक और एग्जांपल है दोस्तों, 98 मल्टीप्लाई बाय 7, 98 इज 2 लेस देन 100 एंड 97 इज 3 लेस देन 100, तो 97 में से हम क्रॉस में 2 को माइनस करेंगे सो वी विल गेट द आंसर 95 एंड 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 0 6 में मिलेगा, 0 में रखना ही होगा, सो 9506 इज द आंसर। 99 इज 1 लेस देन 100, 99 जो है वो 100 से एक नंबर कम है और 97 100 से 3 नंबर कम, तो हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 97 को 1 में माइनस करना है और 1 और 3 को वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, यानी 97 में से जब 1 माइनस किया जाएगा तो वी विल गेट 96 एंड 1 मल्टीप्लाई 3 सो वी विल गेट द आंसर 03, तो 9603 इज द आंसर। अभी तक हमने 100 से लेस देन वाले एग्जांपल देखे, अब हम 100 प्लस वाले एग्जांपल देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, 101 मल्टीप्लाई बाय 101, तो 1 इज प्लस 1 देन 100, 1 मोर देन 100, सो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ेगा, 101 प्लस 1 क्रॉस में प्लस किया तो वी विल गेट 102, और क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है इसलिए 1 1 1, सो वी विल हैव आंसर 01, सो आवर आंसर इज 10201। इसी तरह से 102 मल्टीप्लाइड बाय 102, यहाँ पे जो हमारा a है वो हमारे बेस 100 से 2 ज्यादा है, यानी कि हमें 102 को 2 से प्लस करना है, सो वी विल हैव 104 और 2 टू 4 होता है सो 04, सो आवर आंसर इज 10404। 103 और 103 का भी कर सकते हैं दोस्तों, 103 मल्टीप्लाइड बाय 103, we will have 106 और 3 का स्क्वायर होता है 9, so 09, 10609 is our answer. That is simple है दोस्तों, 104 into 104 अगर आपको करना है तो आपको 104 plus 4 जो cross में 400 से 4 ज्यादा है, 104 plus 4 यानी 108 और 4 का स्क्वायर होता है 60, so we will have answer 108.6। इसी तरह 105, 106, 107 भी आप इजीली कर सकते हैं। 105 देखिए दोस्तों, 105 जो है वो 5 मोर देन है 100 से, सो 105 प्लस 5 यानी 110 और 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, सो आवर आंसर इज 11025।
है जब हम 106 मल्टीप्लाई बाय 106 करेंगे तो वी विल गेट आंसर 11236. जब 107 को 107 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल हैव आंसर 11449. और इसी तरह से आप आगे 108 109 का भी कर सकते हैं. इस मेथड के पीछे ये बेस फॉर्मूला है फ्रेंड्स. एक थ्री डिजिट्स का एग्जांपल देते हैं. 996 मल्टीप्लाई बाय 997. 996 इज 4 लेस देन 1000 एंड 997 इज 3 लेस देन 1000. सो वी विल हैव 00400. देखिए 997 में से क्रॉस में 4 को माइनस कीजिए तो वी विल गेट 993 एंड 4 इज 12 होता है एंड 1 0 इज देयर. सो आवर आंसर इज 993012. यानी कि आपको क्या करना है दोस्तों, क्रॉस में आपको माइनस करना है और वर्टिकली मल्टीप्लाई करके इसके बेस में ये फॉर्मूला है दोस्तों. यहाँ पे ए और बी 10 के पावर से एक्सेस है या डेफिशिएंट है. नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसी अलग अलग टेक्निक्स देखेंगे दोस्तों जिससे आपका मैथ्स फास्ट कैलकुलेटिंग हो सके. एंड में आपसे एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप अपने मैथ्स को डल और बोरिंग बनाना चाहते हैं या फिर फनी और इंटरेस्टिंग? चॉइस इज योर्स.